2023 वनडे विश्व कप का फाइनल अब तक हुए सभी फाइनल से धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस बार खिताबी मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी क्षमता 1,32,000 से भी ज्यादा है। फाइनल के दौरान जब इतनी बड़ी संख्या में भारतीय क्रिकेट फैंस भारत माता की जय और इंडिया इंडिया की हुंकार भरेंगे, तो कंगारुओं के लिए चिंता का बड़ा कारण होगा और भारतीय टीम के लिए रामबाण होगा। जो भव्य नजारा भारतवासियों को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिलेगा, वह अब तक के सभी हाई वोल्टेज मैच के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो क्रिकेट इतिहास में यह फाइनल क्रिकेट का सबसे बड़ा फाइनल होने वाला है। रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में हर विश्व कप से शानदार नजारे देखने को मिलेंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली जा चुकी है। फाइनल के दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान मुकाबले की तरह ही फाइनल में भी एक पारी खत्म होने पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती और जेनिथा गांधी अपने संगीत से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। इस दौरान लेजर शो भी दिखाया जाएगा। कई गुजराती लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे। खास बात यह है कि मैच से ठीक पहले भारतीय वायुसेना की टीम अपनी कलाबाजी का अद्भुत प्रदर्शन करेगी और ड्रोन शो भी नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस महामुकाबले के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय खिलाड़ियों के हौसला बढ़ाने खुद मौजूद रहेंगे। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स भी मैच देखेंगे। फाइनल मैच में देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी, मुकेश अंबानी के साथ साथ तमाम वीवीआईपी, वीआईपी और सेलिब्रिटीज भी मौजूद रहेंगे। फिल्मी सितारों से लेकर पूर्व क्रिकेटरों तक को न्योता भेजा गया है। भारतीय वायुसेना की एरोनॉटिक्स टीम सूर्य किरण ने शुक्रवार को अभ्यास किया है। गुजरात सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सूर्य किरण टीम ने स्टेडियम के ऊपर अभ्यास किया और फाइनल से पहले शनिवार को भी अभ्यास जारी रहेगा। अहमदाबाद में वीआईपी मूवमेंट इतना अधिक रहेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे में भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। आईसीसी ने जितने भी विश्व कप हुए हैं सभी विश्व विजेता कप्तान को इस मैच के लिए आमंत्रित किया है। 2011 विश्व कप चैंपियन महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव भी इस मैच में भारतीय झंडे को लहराते नजर आएंगे। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी फाइनल मुकाबले के दौरान स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। आपको बता दें कि वीआईपी लोगों की आने की वजह से 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन का लैंडिंग गुजरात में होगा। कुछ प्राइवेट जेट को नासिक, इंदौर और अन्य हवाई अड्डे पर पार्किंग करने को कहा गया है। अहमदाबाद के होटल के कमरों का किराया और हवाई किराया सातवें आसमान पर चढ़ गया है। विश्व कप के फाइनल का खुमार बढ़ने से शहर के सभी 5 सितारा होटल मैच की रात के लिए बहुत ही महंगे हो गए हैं। कहा जाए तो वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल का रोमांच सातवें आसमान पर होगा और नजारा सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि पूरे अहमदाबाद में नजर आएगा, और इसकी भव्यता टीम इंडिया के जीत के साथ और भी बढ़ जाएगी।